ये अभी तक नहीं उठा। अरे वो तो कब का उठ गया है, अभी तो वो अपने दोस्तों के घर गया है उनको उठाने। अच्छा तो ये कौन है? मुझे बेवकूफ बनाओगे? हाँ अरे आपने तो एक सेकंड में मेरा झूठ पकड़ लिया, मुझे तो लगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामने ही आपका बेटा सो रहा है। कॉमेडी बाद में करना, पहले इसे उठाओ। क्यों तुम नहीं उठा सकते? ओए उठ। ओ नींद से उठाना है, दुनिया से नहीं, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते हो ना, हमेशा चिल्लाते रहते हो। उठाओ इसे उठाओ। बेटा ये देखो सनलाइट, सनलाइट तुम्हारे फेस पर सनलाइट आ रहा है, उठ जाओ उठ जाओ। सनलाइट सनलाइट ए ट्यूबलाइट, शांति से सोने दे। बेटा मॉर्निंग हो गया है और अच्छे बच्चे मॉर्निंग को जल्दी उठ जाते हैं, उठ जाओ अच्छे बच्चे उठ जाओ। ये अच्छे बच्चे पहले अपने फटे हुए कच्छे सिलाई करा। बहुत कर ली तुझसे प्यार से बात, अब उठाना होगा मुझे अपना हाथ। पापा पापा तेरा पापा खो चुका है अपना आपा, जल्दी से ब्रश करके आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठ। तू सुबह जल्दी क्यों नहीं उठता? और रात को मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, तो इसलिए ये सब बहाना है। प्रॉब्लम ये है कि तेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, मुझे सिर्फ आराम करना है। और क्या ही बोलूँ तुझे, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। पढ़ाई करके क्या उखाड़ लूंगा। हाय हाय हेलो हाउ आर यू, हेलो हेलो हेलो। 50 लड़कियों को हाई भेज दिया, कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगी। सो टेल मी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैं बात करता है। The secret to getting ahead is getting started. Remember, beginning is always the hardest. One day you'll wake up and there won't be any more time to do the things you have always wanted. So do it now. Start where you are, use what you have, do what you can. Now do it now because sometimes later becomes never. Push yourself because no one else is going to do it for you. Self-belief and hard work will always earn you success. Success takes time. Stay focused, be patient. भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लाइफ विल ओनली चेंज व्हेन यू बिकम मोर कमिटेड टू योर ड्रीम्स देन यू आर टू योर कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अपनी जिंदगी के फैसले किसी और को लेने मत दो, वरना आपकी जिंदगी आपकी कम रह जाएगी और दूसरों की अधिक जिंदगी के फैसले किसी और को लेने मत दो, वरना आपकी जिंदगी आपकी कम। आज इतनी जल्दी उठ गया? मैं पूरी रात सोया ही नहीं। क्यों? एक रात की क्या औकात जो मुझे सुला दे और एक सुबह की क्या औकात जो मुझे उठा दे। जो लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं वो कभी रात को नहीं सोते, क्योंकि अगर वो सो जाएंगे तो उनके साथ साथ उनकी मेहनत, उनकी किस्मत, उनकी हिम्मत सब सो जाएगी, और एक बार ये सब सो गए फिर उनको उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी में असफल हो जाएंगे। और अगर वो अपनी जिंदगी में असफल हो गए फिर वो दूसरों की जिंदगी में भी असफल हो जाएंगे। इसलिए मैं अब से रात को नहीं सोऊंगा। ब्रश नहीं किया तूने? क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। इफ आई वेस्ट टाइम देन वन डे टाइम विल वेस्ट मी। एक इंसान के लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, लेकिन इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है क्योंकि उसके पास ब्रेक नहीं है। हमें भी इसी तरह अपनी लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो चलता है वही अपनी जिंदगी बदलता है और जो नहीं चलता है वो सिर्फ दूसरों से जलता है। टाइम की वैल्यू हर किसी को पता होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू निकाली है, वैसे मैं भी एक दिन टाइम की वैल्यू निकालूंगा। और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। एक 10 रुपये दीजिए। क्यों चाहिए? बताता हूँ पहले दीजिए।
आपने सिर्फ 10 रुपए के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन थप्पड़ मारने में जो आपके कुछ सेकंड्स वेस्ट हुए वो आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। आपके लिए ये 10 रुपए आपके टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आपको भी अपने टाइम की कोई कदर नहीं है। ये अचानक इसको क्या हो गया? सो फर्स्ट ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल एंड देन एक्सक्यूज मी सर, व्हाई शुड वी ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल, व्हाई नॉट लार्ज? लेट मी टेल यू सर, बिकॉज योर थिंकिंग इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई यू वांट अस टू ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल। यू कैनॉट थिंक बिग, दिस इज द रीजन व्हाई यू कुडंट अचीव एनीथिंग बिग इन लाइफ। Now I'll speak in Hindi because your small brain cannot understand my big English. एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी छोटी सोच। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही कर पाते। बताइए कि आप कैसे बताएंगे? आपने तो खुद कुछ बड़ा नहीं किया है। मैं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग करना चाहते हैं बड़ा लेकिन सोचते हैं छोटा। आपको पता है आपके माँ बाप ने आपका नाम छोटू क्यों रखा? क्योंकि आपके माँ बाप की सोच भी छोटी। अगर उनकी सोच बड़ी होती तो आपका नाम छोटू नहीं, बड़ू रखते, बड़ू। अच्छा, आपको पता है आपका घर छोटा क्यों है? क्योंकि मेरी सोच छोटी है। नहीं, क्योंकि आपके पास बड़ा घर बनाने के लिए पैसे नहीं। और पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम है। और आपको पता है आप चाय के साथ बिस्किट क्यों खाते हो? क्योंकि बिस्किट की साइज भी छोटी है और आपकी सोच भी। याद रखिए सर, इफ यू थिंक स्मॉल यू विल बिकम पिंग पोंग बॉल, एंड इफ यू थिंक बिग यू विल बिकम बास्केटबॉल। ड्रॉ द लार्जेस्ट सर्कल। फारुख, तू सिगरेट क्यों पीता है? क्योंकि मैं सिगरेट खा नहीं सकता इसलिए पी लेता। मजाक मत कर, स्ट्रेस दूर करने के लिए। तू स्ट्रेस लेता क्यों है फिर? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुझे लेने की आदत पड़ी है। तुझे सिर्फ दूसरों से चीजें मांग कर लेना आता है, लेकिन किसी को दिल खोलकर कुछ भी देना नहीं आता। तुझे शेयरिंग नहीं आती। नाउ व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज केयरिंग। एंड व्हाट इज केयरिंग? शेयरिंग इज केयरिंग। और सुन, तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि जब भी तुझे स्ट्रेस हो और ये स्ट्रेस तुझे सिगरेट पिलाने की कोशिश करे, तब तू वही सिगरेट जलाकर उस स्ट्रेस को ही पिला। तू विशाल के बर्थडे पार्टी में चल रहा है ना? नो। क्यों, शर्म नहीं आती तुझे बर्थडे पार्टी में जाते हुए? शर्म? कैसी शर्म? तुझे अपने हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? नहीं, क्या बोल रहा है? बर्थडे पार्टी में जाकर क्या करे? केक खाऊंगा। उसको हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा? नहीं, मतलब विश करने के बाद खाऊंगा। उसके केक काटने से पहले ही तो खा जाएगा। अरे, उसके काटने के बाद ही खाऊंगा। तुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है कि नहीं? हाँ बनना है, लेकिन इसका केक खाने से क्या कनेक्शन? तुझे पता है केक में क्या है? नहीं पता ना, कैसे पता होगा? तूने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि ये जो केक में खाने जा रहा हूँ उसका अगले 5 साल में मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या ये केक मुझे आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा, दाई तरफ लेके जाएगा या बाई तरफ लेके जाएगा? कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा मुझे ये केक? क्या तूने कभी अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछे? सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर तुझे सक्सेसफुल बनना है तो तेरा हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तेरी बॉडी तेरा साथ नहीं देगी तो तू काम कैसे करेगा? इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरी बॉडी फिट रहे तो किसी के भी बर्थडे पार्टी में मत जा। तुझे नहीं जाने तो मत जा, मैं तो जाऊंगा। अच्छा, तेरे तो बहुत दोस्त है ना, और तू सबकी बर्थडे पार्टी में जाता है। गिफ्ट कितने का देते? 100 रुपये का। तो जरा सोच, अगर तू यही पैसे हर साल गिफ्ट में बर्बाद ना करके सेव करके रखेगा तो अगले 10 सालों में तू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अब मैं पूरी रात मेडिटेशन करूंगा, क्योंकि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मेरा मेंटली स्ट्रांग रहना भी बहुत जरूरी है। एक हफ्ते तक तो मैं एकदम जोश से भरपूर था, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, चिल्लाता रहता था। अब क्या हो गया, मेरी जोश भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। How to stay motivated all the time? So how to stay motivated all the time? See, motivation is temporary. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपकी लाइफ में कोई गोल होना चाहिए जो आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करे। और तो एक बार आपने गोल सेट कर लिया, उसके बाद आप उस गोल से रिलेटेड नॉलेज गैदर करना शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर कीजिए। सबसे मेन बात, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हो लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर इसका भी फायदा नहीं। अब अगर मुझे बेस्ट एक्टर बनना है तो मुझे एक्टिंग के बारे में सब कुछ जानना होगा। बेस्ट बुक्स ऑन एक्टिंग। ये ऑर्डर कर देता हूँ, ये भी ऑर्डर कर देता हूँ, ये भी। और क्या कर सकता? हाँ, कुछ ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज खरीद लेता हूँ। बेस्ट एक्टर। एक्टिंग बुक्स मैंने ले लिया है, वो ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज भी मैंने खरीद लिया है। अब तो मैं दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर बन जाऊंगा।
अच्छा ये बुक्स पढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या? चलो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, ये बुक्स बाद में पढ़ लूंगा। आप एक पेपर लीजिए और उसमें वो सब लिखिए जो आप अगले 5 साल में अचीव करना चाहते हैं। बट डोंट राइट मटेरियलिस्टिक गोल्स। BMW कार, BMW बाइक, अकाउंट में 100 करोड़ रुपए। ये पढ़ाई कर। हाँ करो। पढ़ाई करना जरूरी है या नहीं? मोटिवेशनल वीडियो। तो क्या पढ़ाई करना जरूरी है या नहीं? हाँ बस ये सुनना था, लास्ट में नहीं बोला है, मतलब जरूरी नहीं। ओए स्कूल नहीं जाना तुझे। स्कूल जाना जरूरी है या नहीं? मोटिवेशनल वीडियो। तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा और बारीकी से समझेंगे और इसका असली मतलब ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। थ्री साइंस ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम। मैं भी तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, तो पहला साइंस है मुझे। नंबर 2, दे ऑलवेज थिंक बिग। अरे मैं भी तो हमेशा बड़ा सोचता हूँ, तो दूसरा साइंस है मुझ में। एंड नंबर 3, दे हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड है क्या मुझे? 2 साइंस तो है मेरे अंदर, तो ये तीसरा साइंस जरूर होगा। हो सकता है कि अंदर छुप के बैठा होगा। हाँ ये हो सकता है, और इसका मतलब मैं एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट इंसान। Stop overthinking. Overthinking weakens your ability to make decisions. अरे हाँ, मैं overthinking क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ एक मैथ्स का आंसर ही तो नहीं आ रहा है, उसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? या तो कम मार्क्स आएंगे या फिर मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, लेकिन अगर overthinking करूंगा तो लाइफ में फेल हो जाऊंगा। सो नो overthinking, भाड़ में जाए मैथ्स। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल देन गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। मैं सोच रहा हूँ मुझे अपने कम्फर्ट जोन में नहीं जाना, मुझे सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। ऑलवेज बी हैप्पी, इसका मतलब ये नहीं। बेस्ट कॉमेडी मूवीज। यार मैंने इतने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, जो बोला वो फॉलो किया, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं। इसके बारे में तो कोई वीडियो होगा। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि इतने मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी हमारी लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं आया। तो इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, शुरू के कुछ लाइन से सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हो और वीडियो छोड़ के चले जाते हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप मेरी हर बात को अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से मैं जो बोलता हूँ उसका रियल मीनिंग समझ नहीं पाते। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मैं बोलता किसी एक कॉन्टेक्स्ट में हूँ और आप समझते किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। बकवास, महाबकवास वीडियो बनाते हैं, अनसब्सक्राइब मारो। साला पहले कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और बोलता है। 2 कौड़ी का मोटिवेटर, किसी और की वीडियो देखते हो। इसकी वीडियो देख के भी वो बॉडी में कुछ हो नहीं रहा। शरीर में बिजली दौड़ा देने वाली मोटिवेशनल वीडियो। क्या तुझे पता है एक दिन की कीमत? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट में 86,400 सेकंड होते हैं। एक दिन में कितना कुछ होता है, तो फिर क्यों तू सुबह देर तक सोता है? अरे लोग तो हर हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड बदल देते हैं, तो क्या तू अपनी लाइफ नहीं बदल सकता? अब तो मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। ये मोटिवेशनल वीडियो सब बकवास, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाउ टू चूज योर करियर, हाउ टू फाइंड योर पैशन, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, how to be happy all the time.